Berlin. जुलाई 1969 को अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कॉलिन और एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा की यात्रा करने वाले पहले इंसान बने। अपोलो 11 मिशन एक आरटीएच कार्य था जिसका काम था एक इंसान को चंद्रमा पर उतार के उसे वापस सुरक्षित पृथ्वी पर लाना। इसका लोगो जिसमें एक बाज ऑलिव की शाखा पकड़े हुए चंद्रमा पर उतर रहा है उसे अंकित किया गया था इन दो $1 के सिक्कों के पीछे। अग्रभाग पर छवि बनी हुई है ड्वाइट आइजनहावर की जो माजी राष्ट्रपति थे यूनाइटेड स्टेट्स के और सुजन एंथनी की जो समाज सुधारा और नारीवादी थी। मदरशिप कोलंबिया को माइकल कॉलिंस चला रहे थे जो चंद्रमा की परिक्रमा कर रही थी। वहीं नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन दोनों चंद्रमा की सतह पर उतरे। पृथ्वी के मिशन कंट्रोल रूम में सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ 30 सेकंड का ईंधन बचा था। क्रू घबराया हुआ था। जो अनंत काल की तरह लग रहा था वो वास्तव में सिर्फ कुछ सेकंड्स ही थे। आर्मस्ट्रांग रेडियो पर सुनाई दिए। ट्रैंक्विलिटी बेस हियर, द ईगल हैज लैंडेड। मिशन कंट्रोल रूम खुशी से झूम उठा और सारा तनाव गायब हो गया। फिर कंट्रोलर ने क्रू से कहा, अपोलो 11 का लोगो इस खूबसूरत प्रथम दिवस आवरण पर चित्रित किया गया। 9 सितंबर तक ये स्टैम्प्स तैयार नहीं थे और उसके बाद ही उन्हें जारी किया गया। इसलिए इस प्रथम दिवस आवरण पर दो तारीख हैं, 20 जुलाई और 9 सितंबर की, और 10 सेंट का यूनाइटेड स्टेट्स का एयरमेल टिकट भी इस पर लगा हुआ है। ये पहला बड़ा साइज का स्मारक टिकट था जिस पर सही तरीके से चित्र बना हुआ था नील आर्मस्ट्रांग के चांद पर लिए गए पहले कदम का। उसी वक्त उन्होंने प्रसिद्ध पंक्ति भी लिखी, ये इंसान का छोटा कदम है पर मानव जाति के लिए ऊंची छलांग। दोनों एस्ट्रोनॉट्स ने चांद की सतह की जांच की और कई प्रयोग भी किए। वो एक कार्य से दूसरे कार्य को तेजी से खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। आखिर में सारी चीजें आसानी से निपट गई। उन्होंने सैंपल बटोरे, तस्वीरें खींची और अमेरिका का झंडा भी लहराया जिसे $2.40 के यूनाइटेड स्टेट्स के स्टैम्प पर चित्रित किया गया जिसे जारी किया गया 21 जुलाई 1969 को। एक और बहुरंगी स्टैम्प पर नील आर्मस्ट्रांग को चंद्रमा की सतह की खोज करते हुए दिखाया गया है। इसे 21 मई 1981 को जारी किया गया और उसका अंकित मूल्य 18 सेंट था। जब दोनों एस्ट्रोनॉट्स अपने लूनर मॉड्यूल में पहुंचे तब उन्हें अपने 21 किलो के सैंपल वाले बक्सों के साथ उड़ान भरने में थोड़ी दिक्कत साबित हुई, या ये कहें कि उनसे सर्किट ब्रेकर टूट गया जो मेन इंजन से जुड़ा हुआ था। भाग्यवश पेन के अगले हिस्से से वो स्विच को चला गया। अगर ये नहीं कर पाते तो सर्किट में आग लग जाती और वो पूरा मिशन भस्म हो जाता। अंततः अगले दिन 22 जुलाई को आर्मस्ट्रांग और ऑल्ड्रिन ने सफलतापूर्वक डॉक किया और जुड़ गए कॉलिन के साथ और फिर शुरू किया घर वापसी का सफर जो प्रशांत महासागर में गिरकर पूरा हुआ जुलाई 24 को। कई देशों ने भी इस सफलता का जश्न मनाया विभिन्न स्टैम्प पर इस स्मृति को दिखाकर। भारतीय डाक विभाग ने इस खूबसूरत प्रथम दिवस आवरण को 19 नवंबर 1969 को जारी किया, अपोलो 11 मिशन का अभिनंदन किया। ब्लैक एंड व्हाइट 20 नया पैसा के स्टैम्प पर लिखा हुआ था चंद्रमा पर मनुष्य के चरण हिंदी में और मैन ऑन द मून अंग्रेजी में। साथ ही एक एस्ट्रोनॉट की तस्वीर चंद्रमा की सतह की खोज करते हुए चित्रित थी। अपोलो 11 मिशन वास्तव में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वोट तकनीकी और आर्थिक गुणों का प्रदर्शन करने का प्रयास था। कई देशों ने भी इस सफलता का जश्न मनाया। कई विभिन्न स्टैम्प इनकी स्मृति में जारी किए गए। इस कार्य को करने में $24 बिलियन का खर्च हुआ जिसमें अनुमानित 400 इंजीनियर टेक्नीशियंस और वैज्ञानिक शामिल थे। एक विराट जीत, ये स्पष्ट रूप से एक विशाल कदम था मानव जाति का।